गुमला जिले के घांगरा गुमला लोहरदगा मुख्य पथ पर टोटाम्बी कैंप टोली के समीप विशाल काय बरगद का पेड़ गिर जाने से आवागमन 5 घंटे बाधित हो गया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतार सड़क के दोनों छोर में लग गई। ग्रामीणों ने बताया कि रविवार की रात्रि लगभग 11 बजे सड़क के किनारे स्थित बरगद का विशाल काय पेड़ गिर गया है, जिससे मुख्य पथ पर मालवाहक और यात्री वाहन की लंबी कतार लग गई। मुख्य सड़क पर गिरे विशाल काय पेड़ को ग्रामीणों द्वारा काटकर हटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पेड़ की मोटाई अधिक होने के कारण ग्रामीणों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि आवागमन बाधित होने की सूचना पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर पेड़ को हटवाने में लगी हुई है। वहीं वन विभाग के अधिकारी पेड़ काटने के लिए जुट गए और फॉरेस्टर ने बताया कि विशाल पेड़ होने के कारण थोड़ा समय लग रहा है, जल्द ही रास्ता क्लियर किया जाएगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गुमला झारखंड से अजीत सोनी की रिपोर्ट। इसकी सूचना हमें वरीय पदाधिकारियों के द्वारा मिली और उसके बाद हम लोग अपना दल बल के साथ यहाँ पर पहुंचे। कुछ कटर मशीन और कुछ जेसीबी मशीन के साथ में हम लोगों ने पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन के तौर पर इसे जल्द से जल्द हटाने का काम करने का प्रयास कर दिया है। एक पास बरगद विशाल बरगद पेड़ टूट गया था, इसे आवागमन का विधा बाधित हो रहा है और हम लोग को पुलिस प्रशासन को 10 बजे पता चला। फिर पुलिस प्रशासन को पता चलने के बाद जेसीबी और हाइड्रा और कटर मशीन लगा के कटवा के हटाने का प्रयास कर रहे हैं।